वेलकम टू द चैनल। आज की रेसिपी की रिक्वेस्ट सतना मध्य प्रदेश से संगीता जी की आई, सोया चंक्स बनाने के लिए। इसे इस तरीके से बनाइए, बच्चों को बेहद ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक कई डिशेस हमने बनाई। सोया चंक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी और सोया चंक्स को साथ में गैस में चढ़ाना है। ना ही उबलते हुए पानी में सोया चंक्स डालेंगे, ना ही बाद में। साथ में पानी और सोया चंक्स को उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद स्ट्रेनर में लेकर के हमें अलग रख के इसे मैरिनेट करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, वाइट पेपर, दही, बटर, मैदा, इन सबको मिक्स कर लेना अच्छे से मैरिनेशन को। ब्लैक पेपर भी हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई गरम करनी है। मंचूरियन सॉस के लिए ये तैयारी हमें करनी है। लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, मिर्च, अदरक, टमाटर खटास के लिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ये सारी तैयारी अच्छे से करने के बाद मैरिनेशन को करीब आधे घंटे रखना है। और उसके बाद गर्म तेल करना है, मीडियम हाई फ्लेम पे। फ्लेम हाई मत करिएगा, कीप इट मीडियम। एक एक करके, एक साथ नहीं डालिएगा वरना सब चिपक जाएंगे। एक एक करके हमें ऑयल में छोड़ना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। कुछ इस तरह से चंक्स हो जाने चाहिए। इसको बीच से काट करके देखते हैं। ये देखिए स्पॉन्जीज, पूरा सॉस इसमें एब्जॉर्ब करेगा। यह बेहतरीन तरीके से फ्राई हो चुका है। अब चलिए सॉस के लिए पैन गरम करते हैं। इसमें तेल डालते हैं गर्म होने तक। चाइनीज़ खाना मोस्टली हाई फ्लेम में ही पकाया जाता है, तभी उसका टेस्ट निकल के आता है। लहसुन ऐड करना है, ग्रीन चिली, अनियन, कैप्सिकम, सॉटे करना है, हल्का पकाना नहीं है पूरी तरह से चाइनीज़ में। शुगर डालना है, नमक, बैलेंस करने के लिए ज़्यादा नमक डालिए, टोमेटो केचप, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, इसके जगह आप शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। सॉटे करिए, पूरी तरह से नहीं पकाना है इसे। सोया चंक्स मिक्स करके अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। पानी डालिए एक कप, उबाल आने तक ढक के रखें थोड़ी देर, ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। खोल के देखिए, पक गया हो। सो एज़ यूजुअल गैस बंद करके कम से कम 20 मिनट डिश को रखना है, ताकि फ्लेवर एब्जॉर्ब कर सके। देखिए शानदार चिली चंक आपके सामने तैयार है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, खट्टा मीठा तीखा का मिक्सचर फ्राइड राइस के साथ बहुत ही उम्दा लगेगा खाने में। बेहतरीन लाजवाब स्वाद, इसे बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप सबको। रोटी के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा, खाने वाले के ऊपर निर्भर करता है वो किसके साथ पसंद करेगा। सो इसी तरह से कमेंट और मोटिवेशन करते रहिएगा, हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी अच्छा खाना, अच्छा टेस्ट डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।